ओम शांति। आपका प्रश्न है, भगवान की लीला क्या है? भगवान शब्द आते ही सामान्यता सबके सामने रामलीला, कृष्ण लीला, अलग अलग भावना वालों की अलग अलग भगवानों के भक्तों की अलग अलग लीला। वो समझते कि ये सब भगवान हैं और ये भगवान जो करते हैं वो भगवान की लीला है। तो सबसे पहली भ्रांति हमें दूर करनी है कि भगवान कितने हैं। यदि ये प्रश्न हम उठाते हैं तो सामान्यतः सबका एक ही जवाब आता है, भगवान तो एक होता है, भगवान तो एक है। अच्छा, फिर वो कौन है? यहां सबकी मत अलग 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 हो जाती, सबकी मत अलग अलग। इतने भगवान गिन देते हैं कि जनसंख्या कम और भगवान ज्यादा हो जाते। अब भगवान का परिचय या परमात्मा का परिचय सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं दे सकता। स्वयं परमपिता परमात्मा आकर समझाते कि मैं सारे संसार की आत्माओं का पिता हूं, सर्व आत्माओं के पिता परमपिता शिव परम आत्मा। हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि सारे संसार की आत्माओं का पिता परम पिता परम आत्मा शिव है, जो सारे संसार की आत्माओं का पिता है। अब सारे संसार की आत्माओं का पिता है, फिर सारे धर्म पिता भी उसे मानने चाहिए। सबसे पहले यही कहते हैं, ऊपर वाला जाने। परमात्मा को ऊपर वाला कहते हैं, क्यों? क्योंकि वह सबसे ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ है, परम है, सर्वोच्च है, सुप्रीम है। इसलिए क्राइस्ट ने भी उंगली ऊपर की, गुरु नानक जी ने भी उंगली ऊपर की, महात्मा बुद्ध ने भी उंगली ऊपर की। जितने भी कोई ध्यान करने के लिए बैठते हैं, परमात्मा की स्मृति के लिए बैठते हैं, उन सब ने अपना ध्यान ऊपर ही लगाया। आप अपने अनुभव से भी देख सकते हैं, आप यदि किसी भी देवी देवता की मूर्ति के आगे गए होंगे तो वहां भी आपने देखा कि बेशक वो मूर्ति हमारे सामने है, ये उसकी मूर्ति है जो ऊपर है। मूर्ति को देख करके ऊपर वाला परमात्मा याद आता है, ये मूर्ति है, ये परमात्मा नहीं। परंतु आजकल इतनी धारणा पक्की हो गई है कि मूर्ति को ही परमात्मा समझ लेते।
ये है तमो प्रधान अवस्था। आप परम पिता परमात्मा समझाते बच्चे, मैं तुम सारे संसार की आत्माओं का पिता, और परमात्मा स्वयं अपनी आकर लीला बताते, मैं अजन्मा हूं, मैं अशरीरी हूं, मैं आयोनी हूं, मैं अभोक्ता हूं, मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सर्वोच्च हूं, मैं सर्वधर्म मान्य हूं। मुझे वेदों में ओम कहा, हिंदी में ज्योति कहा, पंजाबी में एक ओंकार कहा, अंग्रेजी में गॉड इज लाइट कहा, कुरान में, उर्दू में या अरबी में खुदा एक नूर कहा, अल्लाह एक नूर कहा। मुझे सबने माना, ये था ज्योति के रूप में, लाइट के रूप में मुझे परमात्मा स्वीकार किया। परंतु मैं वो लाइट नहीं हूं जो दुनिया में दिखाई देती है, ना मैं सूर्य की लाइट हूं, ना मैं चांद की लाइट हूं, ना मैं दिए की लाइट हूं, ना ही दुनिया के किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाली लाइट, किसी भी प्रकार से बनने वाली लाइट मैं नहीं हूं। मैं एक ऐसी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म लाइट हूं जिसे इन आंखों से तो क्या, किसी दुनिया के सूक्ष्म दर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। मैं परम आत्मा और आप सब आत्माएं एक जैसे, ना आत्मा को देख सकते हैं और ना परम आत्मा को देख सकते। अब मेरी लीला, भगवान की लीला क्या है, अर्थात भगवान करता क्या है, इस बात को हमें बहुत ध्यान से समझना है। परमात्मा कहते मेरी लीला आप वर्णन करते हो, परंतु आप जानते नहीं हो। मेरी लीला वर्णन करने के लिए आपने अनेक प्रकार के सेंटेंस, अनेक प्रकार के वाक्य, अनेक प्रकार की बातें कही, परंतु आज हमें ध्यान से एक एक बात को समझना है। परमात्मा कहते बच्चे, मेरे लिए कहा जाता है कि आप प्रेम का सागर हो, शांति का सागर हो, आनंद का सागर हो, सुख का सागर हो, पवित्रता का सागर हो। मैं पवित्रता का सागर हूं, आनंद का सागर हूं, सुख का सागर हूं, शांति का सागर हूं। ये बातें हमें स्पष्ट करती हैं कि परम आत्मा जो है वो सारे संसार की आत्माओं को प्यार करने वाला है, सारे संसार की आत्माओं को प्रेम करता है, तभी उसे प्रेम का सागर कहा जाता है। यदि वो प्रेम ना करता हो तो उसे प्रेम का सागर क्यों कहेंगे? इस बात को हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना है। तो परमात्मा कहते बच्चे, मैं प्रेम कैसे करता हूं, कब करता हूं मैं तुम सबको प्यार? जब तुम सारे संसार की आत्माएं दुखी हो जाते हो, मुझे बुलाते हो, तो मैं आकर तुम सबको नरक से स्वर्ग के लायक बनाता हूं, पतित से पावन बनाता हूं, यही मेरा प्यार है।
इसीलिए सारे मुझे बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। मैं आकर सारे संसार की आत्माओं को शांति देता हूं, इसीलिए सारे परमपिता परमात्मा को अर्थात मुझे बुलाते हैं कि हे भगवान शांति दो। और शांति के लिए देने के लिए भी कहते हैं तो किसको कहते हैं? आत्मा को शांति देना, इसकी आत्मा को शांति देना, मेरी आत्मा को शांति दो। दुख हरता सुख करता, मैं आकर सारे संसार की आत्माओं को ऐसा ज्ञान सिखाता हूं, सच्चाई का बोध कराता हूं, जिससे वे सब की सब आत्माएं दुखों से मुक्त हो जाते हैं और सुख को प्राप्त करते। यह है मेरी लीला। मैं जन्म मरण से न्यारा हूं, मेरा कोई शरीर नहीं है जो मैं यहां आकर के कोई पार्ट बजाऊं। ये जितनी भी लीलाएं हैं देहधारियों की लीलाएं हैं, वे मैं नहीं, वो मुझे, मैं परमात्मा, मुझ परमात्मा की कोई ऐसी लीला नहीं है कि जो मैं देह धारण करके करूं। मैं विष्णु द्वारा देवी सृष्टि की पालना कराता हूं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना का कार्य करता हूं, सबकी जीवन नैया को पार ले जाने वाला हूं। मैं परम शिक्षक हूं, परम पिता हूं, सत चित आनंद स्वरूप हूं। मैं ही आकर नर से नारायण बनाता हूं और सारा कुछ करने का एक ही तरीका है कि मैं ही आकर सबको सत्य का ज्ञान देता, सच्चाई बताता। इसीलिए मुझे कहा जाता है गॉड इज ट्रूथ, परमात्मा सत्य है। परमात्मा ही आकर सत्य समझाते हैं। मैं ही आकर नर से नारायण बनाता हूं, पत्थर बुद्धि वालों को पारस बुद्धि बनाता हूं, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता हूं, सबके सुख देने वाला हूं। मैं ज्ञान का सागर हूं क्योंकि सबको ज्ञान देता हूं, सबको सदगति देता हूं, पतित से पावन बनाता हूं, निराकार हूं। इस प्रकार से परमात्मा आकर जो कार्य करते हैं वो संसार में और कोई कर नहीं सकता। बहुत सीधी सी एक लाइन परमपिता परमात्मा समझाते, बच्चे जो काम मेरे बच्चे करते हैं वो मैं नहीं करता। आप बहुत सीधा पहचान कर सकते हैं, जो भी मनुष्य कर्म कर रहे हैं वो कोई भी काम परमात्मा नहीं करता। सांसारिक शारीरिक सुविधाएं जितनी भी प्राप्त होती हैं वो सब देहधारियों के द्वारा ही प्राप्त होती हैं, वो परमात्मा कोई भी नहीं देता। क्योंकि परमात्मा अशरीरी है, वो शरीरी शारीरिक सहयोग शारीरिक सुख कभी भी नहीं देता। ये बहुत अच्छी तरह परमात्मा की लीला में नोट करना। और परमात्मा कहते जो मैं करता हूं वो मेरा कोई बच्चा नहीं कर सकता। सारे संसार का कल्याण करना कोई नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति किसी का थोड़े समय के लिए कल्याण कर सकता है, किसी को थोड़े समय के लिए शांति दे सकता है, सुख दे सकता है, सांसारिक अल्प दुनिया का ज्ञान दे सकता है, परंतु संपूर्ण सत्य ज्ञान परमात्मा के सिवाय कोई नहीं दे सकता। ये परमात्मा की लीला है। ये परमपिता परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को एक साथ देते, एक साथ, एक जैसा। ईश्वरीय ज्ञान पर, ईश्वरीय खजानों पर सभी आत्माओं का समान अधिकार है, किसी को कम या ज्यादा नहीं देते।
लेने वाले के ऊपर निर्भर है कि वे कितना लेता है। ये लेने वाले की क्षमता पर निर्भर करता है। परमात्मा सबको एक जैसा देते, अखुट, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता। तो परमात्मा की लीला बड़ी वंडरफुल है कि वो आकर सारे संसार की आत्माओं को रास्ता दिखाते हैं, किसी प्रकार की और कोई भी मदद नहीं करते। परमात्मा कहते, यदि मैं मदद करूं तो सबको एक समान बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए तो सारे बराबर हैं। इसलिए मेरी मदद इतनी है कि मैं सबको ज्ञान देता हूं, कौन कितना उस ज्ञान का अपने जीवन में धारण करते हैं, उसके प्रयोग करके उसके अनुभवी बनते। परमात्मा सांसारिक सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं देते। जब ये बात बुद्धि में बैठ जाती है कि मुझे स्वयं पुरुषार्थ करके अपने आप को श्रेष्ठ आचारी बनाना है, तो नेचुरल हर पल अटेंशन रहता है। इस प्रकार परमात्मा आकर वंडरफुल लीला करते। ये सारी लीला परमपिता परमात्मा स्वयं समझाते कि जब सारी दुनिया पतित होती होती गिरती 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 जा रही होती है, उस समय, अंतिम समय पर आकर मैं ज्ञान का रास्ता दिखाकर सारे संसार को चढ़ती कला की तरफ मोड़ता। इसीलिए मुझे सारी दुनिया बुलाती है कि हे पतित पावन आओ। मैं आकर पतितों को ही पावन बनाता हूं, पतित बने तब तो मैं आकर पावन बना। ये है भगवान की लीला। नरक को स्वर्ग बनाना, ये है भगवान की लीला। परंतु मैं स्वर्ग की कोई चीज नहीं बनाता, बनाते तुम हो, क्योंकि उसे भोगते भी तुम। ना मैं स्वर्ग में आता हूं, ना मैं स्वर्ग को भोगता। भगवान की लीला को बहुत ध्यान से समझना है कि भगवान हमारी तरह भोगता नहीं है, क्योंकि वो तो अभोगता है ना, और दुनिया में जितनी ये लीलाएं दिखाई जाती हैं, वो देहधारी मनुष्यों की, देवताओं की, श्रेष्ठ आत्माओं की, श्रेष्ठ कर्मों की लीला है। उन कहानियों को देखकर, प्रेरणा लेकर अपने में कोई सुधार कर सकते हैं, परंतु चढ़ती कला नहीं हो सकती, सुधरती कला नहीं हो सकती, संपूर्ण पावन नहीं बन सकते, 16 कला संपूर्ण नहीं बन सकते। वो बनाने की विधि तो परमात्मा कहते, वो मेरी लीला है, वो मैं आकर करता, और मैं आता भी अपनी लीला के लिए कलयुग के अंत में, सतयुग के आदि के संगम। तो परमात्मा की लीला है इस नरक को स्वर्ग बनाने की विधि सिखाना, बनाना नहीं,
बनाने का काम उन्होंने करना है जिन्होंने उसको भोगना है। तो भगवान की लीला है वंडरफुल। बिना शरीर के पर काया में प्रवेश करके अपनी लीला का, अपने पाठ का पूरा का पूरा हिसाब किताब समझाते और स्पष्ट कहते कोई नहीं बता सकता। सृष्टि के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज देने समय भी यही कहते और कोई नहीं दे सकता, ना आज तक किसी के पास थी ना है और ना फिर परिवर्तन के बाद रहेगी। केवल ये संगम समय पर मेरी उपस्थिति के समय पर ही आपके पास ये नॉलेज है और ये ज्ञान जैसे ही सारी आत्माएं घर जाएंगी ये सीधा ज्ञान लोप हो जाएगा। केवल उस ज्ञान के आधार पर आत्माओं ने जो अपने संस्कार बना लिए उन संस्कारों के आधार से सारा कल्प ये पाठ चलेगा। किस प्रकार से ये सृष्टि चक्र चलता है ये परमपिता परमात्मा आकर इसी समय समझाते। संगम युग पर मैं आकर सबको ज्ञान देकर पावन बनाता हूं, हर एक नंबरवार अपने पुरुषार्थ अनुसार पावन बनते हैं और उनकी मेरिट बनती है। उसके बाद सारा संसार अपना पार्ट बजाता रहता है। जब फिर पतित हो जाते हैं तो मैं भी परम धाम से लीला करने के लिए आ जाता और मेरी लीला है सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना, मनुष्य से देवता बनाना, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाना, नरक से स्वर्ग के लायक बनाना। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करेंगे। यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के द्वारा पूछे गए लगभग 3000 से भी अधिक प्रश्नों के उत्तर आपके पास भेजे जा रहे हैं। हो सकता है कि आपके प्रश्न का उत्तर वहां अवेलेबल हो तो सहज है। यदि आपके प्रश्न का उत्तर वहां अवेलेबल नहीं है तो आप 921-0698-6 पर केवल टेलीग्राम करेंगे। 9650-6922-70 पर केवल व्हाट्सएप करेंगे। फोन ओम शांति।